हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.6। तो एक्सरसाइज 3.6 में हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे है एलसीएम और एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। यानी कि अब हमें देखो, एलसीएम एचसीएफ तो आप लोगों ने पढ़े ही हैं, पर पहले हम नंबरों के एलसीएम और एचसीएफ निकालते थे ना, न्यूमेरिकल जो वैल्यू है उनकी। अब हम फाइंड करेंगे किसके, पॉलिनोमियल्स में एचसीएफ और एलसीएम। मेथड सेम टू सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। जैसे पहले एलसीएम फाइंड करते थे नंबरों में, ऐसे ही हम किस में फाइंड करेंगे, पॉलिनोमियल्स में। तो देखो क्या करना होता है एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करने के लिए, सबसे पहले हमें फैक्टर करने होते हैं। क्या करने होते हैं, फैक्टर। जैसे नंबरों के भी अपन को फैक्टर ही तो करने होते थे। जैसे मान लो हमें दे दिया कितने का, 30 और 12 का, क्या फाइंड करना है हमें, एलसीएम या एचसीएफ कुछ भी फाइंड करना है तो हम इनके फैक्टर ही करते थे। जैसे एलसीएम फाइंड करना है तो फैक्टर कर दिया, 2 से डिवाइड दिया 15, फिर 3 से दिया 5 और फिर 5 से दिया 1। ऐसे ही इसमें दिया 2 से दिया 6, फिर 2 से दिया 3 और फिर 3 से दिया 1। क्या लिखते थे, अब जैसे यहाँ तो है सबकी पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो सबसे बड़ी पावर लिखते थे। तो 2 की पावर तो 2 इंटू 3 की पावर है 1 इंटू 5 की पावर है 1। ऐसे ही एलसीएम निकालते थे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 15 4 जा 60, ऐसे ही फाइंड करते थे। उसमें भी बस हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। तो फैक्टर के जितने भी सारे मेथड थे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हो सकता है हमें फैक्टराइजेशन मेथड से हमें फैक्टर करने हो, हो सकता है सीधे ऐसे ही मल्टीप्लाई करके भी फैक्टर हो जाएं, या हो सकता है हमें फॉर्मूले के थ्रू फैक्टराइजेशन करना पड़े। तो फैक्टराइजेशन करेंगे और उन दोनों में जो भी क्या है, सबसे बड़ी पावर है किसी भी वैल्यू की, सबसे बड़ी पावर है उसको लिख लेंगे, और किसी को भी छोड़ना नहीं है, यानी कि रिपीट नहीं करना और छोड़ना नहीं है। जैसे दोनों में यहाँ देखो x 3 है इधर और 3 इधर है, तो हमने 3 को कितने टाइम लिखा, 1 टाइम, ठीक है। और देखो 5 इधर है बट इधर नहीं है, पर फिर भी हमने 5 को लिखा। तो छोड़ना किसी को नहीं है और रिपीट किसी को नहीं करना। हमने 2 की पावर 2 इसलिए लिखी क्योंकि वो एक साइड में ही 2 की पावर 2 है, यानी कि सबसे बड़ी पावर लेते हैं, ठीक है। और एच सी एफ में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है उसे लेते हैं। देखो एल सी एम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जिन दो वैल्यूओं की, जैसे दो कोई अपने पास पॉलिनोमियल है क्या, यू एक्स और जी एक्स, ठीक है। तो इनके हमें क्या एल सी एम फाइंड करना है। तो एल सी एम का मतलब यह है कि हम ऐसी स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे जिस वैल्यू में इन दोनों से क्या चला जाए, डिवाइड चला जाए। यही होता है एलसीएम का मतलब, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ऐसी वैल्यू, लोएस्ट से लोएस्ट ऐसी वैल्यू जिस वैल्यू में इन दोनों से डिवाइड चला जाए, तो वो तो होता है क्या, एलसीएम, ठीक है। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल कुछ भी कह सकते हो, एच सी एफ होता है ना, एच सी एम नहीं, एच सी एफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, जैसे ये जी एक्स और ये यू एक्स है ना, ऐसी बड़ी से बड़ी यानी हाईएस्ट वैल्यू जिसका इन दोनों में डिवाइड चला जाए। एलसीएम तो हम निकालते हैं जिस वैल्यू में इन दोनों का डिवाइड चल जाए, और एच सी एफ निकालते हैं जिस वैल्यू का इन दोनों में डिवाइड चला जाए, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा सा, और अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इनको एक्सप्लेन करता हूं तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम फाइंड कर, अब सॉल्व करते हैं इसका एग्जांपल फर्स्ट, जिसमें हमें करना है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। तो देखो जो एग्जाम्पल है ना, उनमें ही हर एक एग्जाम्पल में हर एक तरह का क्वेश्चन है। इसमें एलसीएम निकालने के तीन टाइप के क्वेश्चन है, वो तीनों टाइप के एग्जाम्पल में दे दिए। अगर हम एग्जाम्पल कर लेंगे तो जो एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, इसमें एग्जाम्पल सेकंड कर लेंगे तो एक्सरसाइज का जो सेकंड है उसको हम कम्प्लीटली सॉल्व एक खुद से ही कर लेंगे। तो देखो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल फर्स्ट कराता हूँ, फर्स्ट का फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट का फर्स्ट है 4a² b² c एंड
सिक्स ए बी स्क्वायर डी, यही है सिक्स ए बी स्क्वायर डी। तो अब हमें इसके क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले फैक्टर करेंगे। तो देखो ये तो सिंपल सिंपल नंबर वाले वैल्यू हैं। तो देखो 4a स्क्वायर b स्क्वायर c के फैक्टर क्या होंगे, देखो 4 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2, ए स्क्वायर के फैक्टर a इंटू a होगा, बट हम a स्क्वायर ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। b को b स्क्वायर लिख लेते हैं और c को c लिख लेते हैं। अब ऐसे ही 6a b स्क्वायर d, तो 6 को क्या लिखते हैं 2 इंटू 3 a इंटू बी स्क्वायर इंटू डी, क्लियर है। अब देखते हैं दोनों में क्या क्या लिख सकते हैं। देखो सबसे बड़ी पावर लिखनी होती है, तो देखो 2 की पावर 2 है यानी 2 इंटू 2 है, तो एल सी एम क्या होगा 2 की पावर 2, 3 यहां तो नहीं है, यहां है तो एक बार हम 3 है तो 3, ए की सबसे बड़ी पावर क्या है ए स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर। बी की सबसे बड़ी पावर क्या है बी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे बी स्क्वायर। सी की सबसे बड़ी पावर सी है तो सी लिखेंगे, और डी की सबसे बड़ी पावर है डी तो डी लिखेंगे। तो अपने पास एलसीएम आएगा, ये 2 की पावर 2 है ना, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी एंड डी। तो ये आ गया अपने पास LCM, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब देखो इन दोनों का इसमें डिवाइड चला जाएगा, और इससे ऐसी कोई और छोटी संख्या नहीं है, यानी इससे लोएस्ट ऐसा नंबर नहीं है जिसमें इन दोनों से डिवाइड चला जाए, ठीक है। तो देखो इसमें इससे डिवाइड भी चला जाएगा और इससे डिवाइड भी चला जाएगा, क्योंकि देखो सी सी यहाँ भी है डी और ये डी यहाँ भी है, डिवाइड देना है हमें इसमें, इसीलिए हम किसी भी नंबर को छोड़ते नहीं है। देखो जैसे यहाँ सी है और हम यहाँ सी नहीं लेते तो इसका इसमें डिवाइड नहीं जाता, क्योंकि सी नहीं है। अगर हम डी को नहीं लिखते तो इस नंबर का इसमें डिवाइड नहीं जाता, क्योंकि डी नहीं है। तो एलसीएम में हम किसी भी नंबर को छोड़ते नहीं हैं, सबको लिखते हैं, बस रिपीट नहीं करते किसी भी नंबर को, समझ रहे हो। जैसे यहाँ ए है, ए स्क्वायर है, यहाँ ए है, तो ऐसा नहीं लिखेंगे ए स्क्वायर को भी लिख लिया और ए को भी लिख लिया, नहीं, इन दोनों में से जिसकी सबसे बड़ी पावर है उसको लिख लेंगे। यहाँ बी की सबसे बड़ी पावर बी स्क्वायर है तो बी को लिख लिया, ठीक है। तो ये हो गया अपना एलसीएम फर्स्ट का फर्स्ट। अब करते हैं हम सेकेंड। देखो सेकंड जो है वो किस में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एंड सेकंड है एक्स स्क्वायर ही है ना, माइनस 5x प्लस में 6, ठीक है। ये किस फॉर्म में अपने पास, ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म में, तो इनके भी हमें फैक्टर करने हैं। जैसे पहले वाले नंबरों के हमने फैक्टर किए थे वो तो सिंपल फैक्टर थे, इसमें क्या होगा हमें फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करना है, ठीक है। यानी कि जो मिडिल वैल्यू है ना इसको एक्सटेंड करके, है ना, जो मेथड है ना उससे हम क्या करेंगे इसके फैक्टर करेंगे। तो देखो सबसे पहले इसके फैक्टर करते हैं, तो 3x स्क्वायर होना चाहिए माइनस 4x का फैक्टर, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर भी माइनस 4 आना चाहिए, तो 3 और 1 कर देते हैं, माइनस के 3 और माइनस का 1। देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के x और प्लस के 3, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस के 3x स्क्वायर आ रहा है और दोनों को ऐड करने पर माइनस के 4x आ रहा है, क्लियर। तो इन दोनों में से एक कॉमन, इन दोनों में से एक कॉमन, x कॉमन ले लेते हैं x माइनस 3, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लेते हैं x माइनस 3, x माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा x माइनस 1, ठीक है। इसके फैक्टर ये हो गए, अब इसके फैक्टर करते हैं। देखो माइनस के 5x है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 2x और प्लस के 6। देखो ऐड करने पर माइनस के 5x आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के इक्वल यानी 6x स्क्वायर आ रहा है प्लस का, क्लियर। तो कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन आएगा x, x माइनस 3
यहां से कॉमन आएगा माइनस के टू, तो बचेगा एक्स माइनस थ्री। तो एक हो गया एक्स माइनस टू और एक हो गया एक्स माइनस थ्री। अब हम फाइंड करते हैं LCM। तो LCM फाइंड करेंगे, अब दोनों में जो जो चीज है उन सबको लिख लेंगे, किसी को भी डबल टाइम नहीं लिखेंगे। तो देखो x माइनस वन है, x माइनस वन लिख लिया, x माइनस टू है, x माइनस टू लिख लिया। अब x माइनस थ्री और x माइनस थ्री दोनों में है तो उसे एक बार लिख लेते हैं, x माइनस थ्री। ठीक है, तो x माइनस वन, x माइनस टू और x माइनस थ्री क्या गए, इनके LCM आ गए। ठीक है, देखो इससे भी अब ये जो पार्ट है एक्चुअली में ये जो है इसी के फैक्टर तो हैं। अब देखो इसका इसमें हम डिवाइड दे सकते हैं, x माइनस थ्री से x माइनस थ्री, x माइनस वन से x माइनस वन चला जाएगा, केवल क्या बचेगा x माइनस टू, डिवाइड तो जा रहा है। इससे भी डिवाइड दे सकते हैं, x माइनस टू से x माइनस टू कट जाएगा, x माइनस थ्री से x माइनस थ्री कटेगा, x माइनस वन रह जाएगा, डिवाइड तो जा रहा है। तो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उनका हम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करेंगे और जो जो चीज़ दोनों में है उनको लिख देंगे और किसी को भी डबल टाइम नहीं लिखेंगे। क्लियर, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, एग्जांपल फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन है माइनस के टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू और एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस टू और एक्स प्लस थ्री एंड थ्री x माइनस वन एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस थ्री और x प्लस फाइव, x प्लस थ्री एंड x प्लस फाइव। क्लियर, ये अपना क्वेश्चन है, दोनों में हमें क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है इन दोनों का। ठीक है, तो देखो फैक्टराइजेशन किए हुए हैं पहले से ही, तो हमें फैक्टराइजेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल वैल्यूएँ कि सबकी जो वैल्यू है उनको लिख लेते हैं, केवल और कुछ नहीं करना, केवल वैल्यूएँ लिखनी है। देखो LCM माइनस टू इन टू में थ्री, और देखो x माइनस वन x माइनस टू दोनों में है और x प्लस थ्री भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको एक एक बार लिख लेते हैं, x माइनस वन x माइनस टू x प्लस थ्री। अब क्या बच गया अपने पास, एक x माइनस फाइव बच गया, तो उसको भी हमें लिखना पड़ेगा, x प्लस फाइव। तो देखो ये कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, माइनस सिक्स x माइनस वन x माइनस टू x प्लस थ्री और x प्लस फाइव। और दोनों नंबरों का डिवाइड चला जाएगा, इसका भी इसमें डिवाइड चला जाएगा और इसका भी इसमें डिवाइड चला जाएगा, क्योंकि हर एक की हर एक वैल्यू इसमें उपस्थित है, यानी प्रेजेंट है, कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो इसमें छूट गई हो। देखो x प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू और एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन, उसकी सारी वैल्यू है और सिक्स में थ्री से डिवाइड चला ही जाएगा। अब देखो सेम माइनस टू का भी चला जाएगा, x माइनस वन एक्स माइनस टू और x प्लस थ्री है, x प्लस फाइव बच रहा है तो बच जाएगा, क्या दिक्कत है, डिवाइड तो कम्प्लीटली जा रहा है। तो ये था अपने पास एग्जाम्पल फर्स्ट का थर्ड LCM। अब बात करते हैं हम HCF की, तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी वैल्यू यानी हाईएस्ट वैल्यू, जिसका जो हमें दो जी एक्स और एफ एक्स दिए हैं उनमें क्या चला जाए, डिवाइड चला जाए, बड़ी से बड़ी हाईएस्ट। ठीक है, तो देखो फाइंड करते हैं एग्जांपल सेकंड टू से, एग्जांपल सेकंड का फर्स्ट, देखो एग्जाम्पल सेकेंड का फर्स्ट है
एट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी एंड 18 ए बी क्यू और सी क्यू, यही है ए क्यू एंड सी स्क्वायर है, क्या है सी स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे दोनों के। देखो 8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी के फैक्टर करो, तो 8 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ए स्क्वायर का होगा ए इंटू ए और बी का होगा बी इंटू बी और सी का हो जाएगा सी। अब करते हैं 18 ए बी क्यू सी स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू सी इंटू सी। सबसे पहले फैक्टर वही वाला है जो पहले किया था ना एलसीएम में, उसमें भी फैक्टर किए थे, इसमें भी फैक्टर, यहाँ तक तो दोनों में सेम है। बट अब हम जब एचसीएफ फाइंड करेंगे ना, तो वो चीज़ लिखेंगे यहाँ पर जो दोनों में कॉमन है। अगर दोनों में वो चीज़ कॉमन नहीं है या दोनों में वो चीज़ उपस्थित नहीं है तो हम उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, देखो 2 यहाँ है 2 यहाँ भी है तो 2 लिख लिया, ठीक है। अब देखो 3 यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है, A यहाँ है और A यहाँ भी है तो A लिख लिया, ठीक है। अब देखो B यहाँ भी है यहाँ भी है, B लिख लिया। फिर देखो एक और B है एक और B है तो B को लिख लिया, एक C और एक C तो C को लिख लिया। जो बच गए उसको सबको छोड़ देंगे, केवल जो दोनों में है वो, चाहे कितनी बार है। अगर देखो यहाँ A 3 टाइम है और यहाँ भी A 3 टाइम है ना, तो उस A को 3 टाइम ही लिखेंगे। जैसे यहाँ देखो B 2 टाइम है यहाँ B 3 टाइम है, तो B 2 टाइम हमने यहाँ लिख लिया क्योंकि एक ग्रुप और एक ग्रुप, ऐसे ग्रुप बनेंगे और इसको ऐसे लिख लेंगे। तो देखो अपने पास HCF आ गया 2 ए बी स्क्वायर सी, यानी कि इस नंबर का अब इन दोनों में डिवाइड चला जाएगा। ये ऐसा बड़े से बड़ा नंबर है जिसमें इसमें इन दोनों में क्या चला जाएगा, डिवाइड। इससे बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है, जिसका इन दोनों में क्या चला जाए, डिवाइड चला जाए। तो देखो इसका इसमें कंप्लीट डिवाइड चला जाएगा, तीनों की तीनों वैल्यू है, इसमें भी इसमें डिवाइड चला जाएगा क्योंकि तीनों की तीनों वैल्यू है, ठीक है ना। तो HCF में क्या लेते हैं हम, जो दोनों में क्या होता है कॉमन चीज होती है उसे लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल, सेकंड का क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड ट्वेंटी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 एंड 5x स्क्वायर माइनस के 6x और प्लस का 1। तो ये वही है जो अभी एलसीएम हमने फाइंड किया था ऐसे क्वेश्चन का। तो इसका ये हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले बाय द फैक्टराइजेशन मेथड हम इसके फैक्टर करते हैं। तो चलो फैक्टर करते हैं। देखो इस 9 के ऐसे फैक्टर करने मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 20, तो 5 4 जा 20 एंड 5 एंड 4 9, तो सिंपल से फैक्टर हो जाएंगे 20x स्क्वायर। 9 माइनस का है तो दोनों माइनस के आएंगे, 5x और 4x प्लस 1। ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 5x, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से 4x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन आ गया 4x माइनस 1, तो 4x माइनस 1 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 5x माइनस 1। तो इसके फैक्टर हो गए 4x माइनस 1 और 5x माइनस 1। अब इसके फैक्टर करते हैं, देखो माइनस के 6 है तो यानी कि माइनस के 5 और माइनस का 1 फैक्टर हो जाएंगे,
5x² माइनस के 5x माइनस का x प्लस 1। देखो दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल है और एड इन दोनों का सेम है माइनस के 6x। क्लियर? यहां से 5x कॉमन आएगा, ठीक है, तो बचेगा x माइनस 1। यहां से माइनस 1 कॉमन, x माइनस 1, x माइनस 1 कॉमन ले लिया, 5x माइनस 1 बच गया। ठीक है, अब हमें HCF लेना है। तो HCF में हम क्या लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन है, यानी कि 5x माइनस 1 और 5x माइनस 1, यानी ये एक ऐसा नंबर है सबसे बड़ा जिसका इन दोनों में डिवाइड चला जाएगा, दोनों में ही डिवाइड जाएगा 5x माइनस 1। देखो 5x माइनस 1 का इसमें डिवाइड देंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, इसमें देंगे तो ये कट जाएगा, ये बच जाएगा। ठीक है, डिवाइड जा रहा है, इससे ऐसा कोई बड़ा नंबर नहीं है जिसका इसमें डिवाइड जा सकता हो, क्योंकि देखो ये जो फैक्टर हैं इसी इक्वेशन के फैक्टर हैं, तो इक्वेशन के फैक्टर हैं तो वो एक ही बात है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे यही इक्वेशन बनेगी। क्लियर? तो ये हो गया एग्जाम्पल सेकेंड का, पार्ट सेकेंड, वही फैक्टर किए। देखो अगर हमें इसी नंबर का एलसीएम निकालना होता, क्या निकालना होता, एलसीएम, तो एलसीएम में हम क्या लिखते, देखो x माइनस 1, फिर आता 4x माइनस 1, फिर आता 5x माइनस 1, ये आता क्या इसका एलसीएम, और HCF है इसका केवल 5x माइनस 1। तो एलसीएम में तो किसी भी उसको छोड़ते नहीं है टर्म को, और HCF में केवल उसको लिखते हैं जो दोनों उसमें क्या हो होता है, यानी जो कॉमन नंबर होता है उसको लिखता है। ठीक है ना? लास्ट थर्ड एग्जाम्पल सेकंड का थर्ड है, x माइनस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 का होल स्क्वायर x प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 1 का होल क्यूब एक्स प्लस वन का होल क्यू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर और एक्स प्लस थ्री का होल क्यू। ठीक है, तो देखो ये देखने में ऐसा अजीब सा लग रहा है लेकिन ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इसके फैक्टर करता है, ठीक है ना, तो देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, मतलब ये x प्लस 1 और x प्लस 1 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस 2 और x प्लस 2, इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस 3 एंड x प्लस 3। ठीक है, ये तो मैंने इसके फैक्टर किए, अब इस वाले के मैं इसके नीचे लिखता हूँ। देखो x प्लस 1 की पावर 3 है तो ये होगा एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 1, फिर है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर तो इसे हम क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2, फिर है एक्स प्लस 3 तो एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 एंड एक्स प्लस 3। ठीक है, ऐसे कर दिया। अब देखो दोनों में क्या क्या चीज कॉमन है, x प्लस 1, x प्लस 1, तो एक बार तो आ जाएगा x प्लस 1, फिर x प्लस 1 और फिर x प्लस 1 है तो आ जाएगा x प्लस 1, यहां है x प्लस 2, x प्लस 2, बट यहां पर है अपने पास x माइनस 2 और x माइनस 2, यहां है x प्लस 3 और फिर एक बार x प्लस 3। ठीक है, तो दोनों में क्या क्या कॉमन थे, एक बार तो अपने पास कॉमन जो था हमने उसको लिख लिया, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा,
अपने पास देखो, ये एच सी एफ ही तो लिख रहे हैं हम। देखो एक्स प्लस वन यानी कि एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, दोनों में कॉमन। देखो देखने से ही पता चल जाएगा, यहाँ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, यहाँ एक्स प्लस थ्री का होल क्यू है। तो हम x प्लस वन का होल स्क्वायर दोनों में प्रेजेंट है, तो हमने x प्लस वन का होल स्क्वायर लिख लिया। यहाँ है x प्लस टू, यहाँ x माइनस टू है, तो इनका कोई काम नहीं है। फिर है x प्लस थ्री और x प्लस थ्री, बट यहाँ q है, यहाँ स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर को कॉमन लेके लिख लेंगे। दोनों में कॉमन है वही तो लिखते हैं। यहाँ कॉमन क्या है, x प्लस तीन का होल स्क्वायर दोनों में कॉमन है। तो ये हो गया अपने पास एग्जाम्पल सेकेंड का लास्ट पार्ट, ठीक है। तो कोशिश करना एक्सरसाइज कंप्लीट करने की, कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो आप इजीली कर लोगे, तो ट्राई करना और मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए, कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, ठीक है। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू।